So let's continue our chapter 6 from geography, natural vegetation and wildlife. So in the previous video we already discussed about the first category of natural vegetation, that is the forest. Different types of forest we already discussed in the previous videos. Let's start with the next category, the next classification, that is the grassland. Tropical grassland. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ा था, तो हम इनसे ग्रासलैंड में क्या है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. दीज अकर ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक. अभी जैसे मैंने पहले बताया था कि दोनों इक्वेटर के दोनों तरफ जो था ऊपर और नीचे आइदर साइड ऊपर और कहां तक जाती है, ट्रॉपिक्स तक है. दिस वेजिटेशन ग्रोज इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल. और इस तरह की जो वेजिटेशन कहां पे होती है, जहां पे मॉडरेट कैसा रहेगा, वेजिटेशन ग्रोथ इन एरियाज ऑफ मॉडरेट और लो, या तो कम बहुत मॉडरेट होगी या फिर कम बारिश होगी, उस एरियाज में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ग्रो करते हैं. द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल अबाउट 3 to 4 मीटर इन हाइट. और यहाँ पे जो एरिया है, इनकी जो घास है कैसी रहती है, 3 to 4 मीटर तक हाइट में रहती है, ऊंची रहती है. सवाना ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका आर दिस. अभी हमें सवाना ग्रासलैंड अफ्रीका के हैं वो नाम दिए गए, वो इसी तरह के रहते हैं. और इन ग्रासलैंड्स में वेजिटेशन कौन सा, वाइल्ड लाइफ कौन कौन से, एलिफेंट्स है, ज़ेब्रा है, ज़िराफ, डियर, लेपर्ड्स आर कॉमन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ रहती है. नेक्स्ट इज द टेम्परेट ग्रासलैंड. दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल ज़ोन्स इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट. लैटिट्यूडनल ज़ोन्स हैं कॉन्टिनेंट्स के, लेकिन टेम्परेट ग्रासलैंड में जो घास कैसी रहती है, बहुत लंबी नहीं होगी, कैसी होगी, छोटी रहती है, पर न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसमें. वाइल्ड लाइफ कौन कौन सी, वाइल्ड बफेलोस, बाइसन, एंटीलॉप्स आर कॉमन इन द टेम्परेट रीजन. और यहाँ पे मिलने वाली जो वाइल्ड लाइफ है वो कौन कौन सी है, उनकी कुछ नाम दिए. Now comes the last heading, means thorny bushes. हमने नेचुरल वेजिटेशन को क्लासिफाई किया था, फर्स्ट फॉरेस्ट था, सेकंड ग्रासलैंड था, थर्ड क्या था, थॉर्नी बुशेस. सो लेट्स स्टार्ट. दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट लाइक रीजंस में. अब ये थॉर्नी बुशेस की कटीली छानियां, हमने कहा ड्राई डेजर्ट, जो डेजर्ट का रीजन है उस जगह पे होती है. ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट. और ये इसमें कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न पार्ट वाला इलाका है वहां पे इस तरीके में बुशेज या थॉर्नी बुशेज देखने को मिलेंगी. द वेजिटेशन कवर इज स्फीयर हेयर बिकॉज ऑफ स्टैंडिंग रेन एंड स्क्रॉचिंग हीट. यहाँ पे क्यों है, क्योंकि बहुत तेज धूप पड़ती है, बारिश कम होती है, तो वेजिटेशन बहुत कैसी होती है, स्टैंडिंग कम है. आइडेंटिफाई डेजर्ट रीजन इन द मैप में हमसे कहा गया कि इस तरह के हमें क्या देखने फॉरेस्ट या इस तरह की वेजिटेशन जिस जगह पे है वो आइडेंटिफाई करनी है. कैन यू नेम द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया. इंडिया का कौन सा ग्रेट डेजर्ट है, कौन सा है, थार डेजर्ट. इंडिया का जो डेजर्ट है सबसे बड़ा उसको हम क्या बोलते हैं कि थार डेजर्ट. नेम सम ऑफ द कॉमन एनिमल्स ऑफ द डेजर्ट व्हिच यू हैव लर्न अर्लियर. ज्यादातर क्या मिलते हैं भाई, हमें कैमल कह सकते हैं कि डेजर्ट में कैमल भी एक एनिमल है जो मिलता है. सो इफ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड. अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डेजर्ट की, डेजर्ट हॉट डेजर्ट ही नहीं होते, डेजर्ट कैसे हो सकते हैं, कोल्ड डेजर्ट भी हो सकते हैं, दो तरह के हॉट और कोल्ड. इंडिया का जो है थार डेजर्ट कैसा है, हॉट डेजर्ट. लेकिन हम जब पोल की बात करते हैं, पोलर रीजन में जहाँ बहुत ज्यादा ठंड है वो कैसे होते हैं, कोल्ड डेजर्ट. द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड हियर. जब गर्मी के कारण बारिश कम होती है उसके कारण वेजिटेशन की ग्रोथ नहीं हो पाती, ठंड में भी ऐसे होता है. तो जिस जगह पे हम पोलर रीजन की बात करते हैं, पोलर रीजन में भी जहाँ बहुत ज्यादा ग्रोथ कैसे जाती है, लिमिटेड हो जाएगी. ओनली मॉसेस, लेचेस, लिचेंस एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हियर. इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर. और ऐसे इलाकों में जब हम बहुत ही ठंडे इलाकों की बात करते हैं, वहां पे जब बहुत ज्यादा ठंड हमेशा पड़ती है, लेकिन जब कुछ समय के लिए थोड़ी गर्मी होती है, तब इस तरह की जो नेचुरल वेजिटेशन है वो वहां पे ग्रो करती है. इट दिस इज कॉल्ड टुंड्रा.
टैंडा, लेकिन यहाँ पे इस तरह की वेजिटेशन है उसको क्या बोलते हैं, टुंड्रा वेजिटेशन। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। द एनिमल्स हैव थिक फर, और यहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनकी, क्योंकि बहुत कोल्ड एरिया रहता है, ठंडा है, एनिमल्स के जो फर कैसे होते हैं कि वो थिक होंगे, स्किन और स्किन को, क्योंकि अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ जो जाने मिलते हैं, उनके जो फर है, उनके शरीर के फर रहते हैं कैसे रहते हैं, बहुत ही थिक। सील, वॉलरसेस, मस्क ऑक्स हैं, बस।